हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एआरपी मींस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। एआरपी एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सीट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। एआरपी को IPv4, X.25, फ्रेम रिले, ATM जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ के साथ इम्प्लीमेंट किया गया है। ARP प्रोटोकॉल IP एड्रेस के बेस पर MAC एड्रेस को रिजोल्व करता है। एप्लीकेशन लेयर पर किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेस यूज़ किया जाता है, लेकिन डाटा लिंक लेयर पर किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करने या फिर उसे डाटा सेंड करने के लिए MAC एड्रेस की आवश्यकता होती है। जब किसी लोकल होस्ट को कोई डाटा सेंड किया जाता है तो नेटवर्क्स के बीच ये IP एड्रेस के माध्यम से ट्रेवल करता है, लेकिन लैन में उस होस्ट तक पहुंचने के लिए इसे उस होस्ट के MAC एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। इस सिचुएशन में ARP एक अहम भूमिका निभाता है। मैसेज फॉर्मेट ऑफ ARP। फ्रेंड्स, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल द्वारा MAC एड्रेस रिजोल्व करने के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। ये मैसेज लैन में सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ARP मैसेज फॉर्मेट में कुछ फील्ड्स होती हैं। इन फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी फर्स्ट फील्ड होती है हार्डवेयर टाइप। इस फील्ड की साइज 2 bytes होती है। ये फील्ड डिफाइन करता है कि ARP मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार का हार्डवेयर टाइप यूज़ किया गया है। सबसे कॉमन हार्डवेयर टाइप इथरनेट है। इथरनेट की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल टाइप। ये फील्ड बताता है कि ARP मैसेज की ट्रांसमिटिंग के लिए किस प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। ये फील्ड हार्डवेयर एड्रेस की लेंथ बाइट्स में दर्शाती है। इथरनेट MAC एड्रेस की साइज 6 byte होती है। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। फ्रेंड्स, ये फील्ड IP एड्रेस की साइज बाइट्स में दर्शाती है। IP एड्रेस की साइज 4 bytes होती है। नेक्स्ट, OP कोड। ये फील्ड ARP मैसेज के टाइप को बताती है। यदि इस फील्ड की वैल्यू 1 है तो ये रिक्वेस्ट मैसेज है, और यदि इस फील्ड की वैल्यू 2 है तो ये रिप्लाई मैसेज है। नेक्स्ट, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। इस फील्ड में मैसेज सेंड करने वाले डिवाइस का MAC एड्रेस होता है। नेक्स्ट, सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस। इस फील्ड में मैसेज सेंड करने वाली डिवाइस का IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस। रिक्वेस्ट मैसेज में ये फील्ड खाली होती है। इस फील्ड में रिसीविंग डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस होता है। नेक्स्ट, टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस फील्ड में रिसीविंग डिवाइस का IP एड्रेस होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ARP के वर्किंग के बारे में बता देता हूँ। ARP की वर्किंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जब एक सेंडर किसी रिसीवर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो सेंडर सबसे पहले अपना ARP कैश चेक करता है। सेंडर चेक करता है कि क्या रिसीवर का MAC एड्रेस पहले से ARP कैश में मौजूद है। यदि रिसीवर का MAC एड्रेस पहले से ARP कैश में मौजूद है तो सेंडर उस MAC एड्रेस को यूज़ करते हुए रिसीवर से कम्युनिकेट करेगा, और यदि रिसीवर डिवाइस का MAC एड्रेस ARP कैश में पहले से मौजूद नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में सेंडर डिवाइस द्वारा एक ARP रिक्वेस्ट मैसेज तैयार किया जाता है। इस मैसेज में सेंडर का MAC एड्रेस, सेंडर का IP एड्रेस और रिसीवर का IP एड्रेस होता है। रिसीवर के MAC एड्रेस वाले फील्ड को खाली छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे रिजोल्व किया जा रहा है। इसके बाद सेंडर डिवाइस इस ARP रिक्वेस्ट मैसेज को लैन में ब्रॉडकास्ट कर देता है। क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, इसीलिए लैन से कनेक्टेड हर डिवाइस इस मैसेज को रिसीव करता है। उसके बाद सभी डिवाइसेस इस रिक्वेस्ट मैसेज के रिसीवर IP एड्रेस को खुद के IP एड्रेस से मैच करते हैं। जिन डिवाइसेस का ये IP एड्रेस मैच नहीं होता है वे इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देते हैं, और जिन डिवाइसेस के IP एड्रेस से इस रिक्वेस्ट मैसेज का रिसीवर IP एड्रेस मैच करता है वे इस मैसेज को रिसीव करता है और ARP रिप्लाई मैसेज तैयार करता है। ये एक यूनिकास्ट मैसेज होता है जो सिर्फ सेंडर को ही भेजा जाता है। उसके बाद ARP रिप्लाई मैसेज में सेंडर के IP एड्रेस और MAC एड्रेस को रिप्लाई मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इस मैसेज में रिसीवर अपना IP एड्रेस और MAC एड्रेस भी भेजता है। रिसीवर डिवाइस भी अपने ARP कैश को फ्यूचर यूज़ के लिए सेंडर के MAC एड्रेस में अपडेट करता है। उसके बाद जैसे ही सेंडर डिवाइस ARP रिप्लाई मैसेज रिसीव करता है तो वह अपने ARP कैश को नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट कर लेता है।
अब सेंडर के एआरपी केस में रिसीवर का मैक एड्रेस मौजूद है। सेंडर बिना किसी परेशानी के डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एआरपी के इंट्रोडक्शन और उसके वर्किंग स्टेप्स के बारे में। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।